यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद ही होगा, लास्ट वाले एपिसोड में भाई हम गए थे मिलिट्री कर्नल, मिलिट्री बेस, मिलिट्री कर्नल से मिलने के लिए, क्योंकि भाई मिलिट्री कर्नल ने अपने को मिलने के लिए बुलाया था। और भाई जब हम मिलिट्री कर्नल से मिलने गए तो वो अपने को लेके गया था उसके सीक्रेट बेस पे जो पहाड़ पे था। और उसके बाद भाई हम वहाँ पे अंदर देखा था, अलग अलग तरीके के वेपन थे, अलग अलग तरीके के सोल्जर थे। मतलब एक पहाड़ पे एक शहर टाइप मान लो, गांव टाइप बसा रखा था इन मिलिट्री वालों ने। तो गाइस वहाँ पे लेके गया था मिलिट्री कर्नल अपने को सीक्रेट बेस दिखाने के लिए। फिर उसके बाद भाई वो लेके आया था अपने को इस डगन बोस के घर पर, क्योंकि भाई ये डगन बोस लॉस सैंटोस पे टेररिस्ट अटैक करवाने वाला है। तो इसलिए भाई हम दोनों आए थे इनसे बात करने। बट जब हम यहाँ पे आए तो हमें ये पता लगा कि डगन बोस यहाँ पे है ही नहीं गाइस। फिर यार मिलिट्री कर्नल का भी थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया था। फिर मिलिट्री कर्नल ने कहा हम यहीं पर रुकेंगे माइकल, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जब तक हम उससे बात ना कर ले तो अपने को तसल्ली नहीं होगी। तो उसके बाद भाई ये पिग्स तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे गाइज। उसी दिन के बाद से यार ये पिग्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे गाइज, जब से हमारे पीछे है। मैंने इनको कितना, मैं यहाँ से बाहर भी गया, बाहर भी पीछे पीछे आ गए। तो इसलिए यार मेरे को अंदर ही आना पड़ा वापस, क्योंकि यार इनको कोई टक्कर वक्कर मार देती कार वगैरह तो यार इनकी जान चली जाती है, इनको चोट लग जाती। तो यार ये पिग्स मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे, और क्या ही करे। अब मैं यहाँ का जो भी ओनर है ना जिन पिग्स के, देखो अब भी मैं यहाँ पे आया इतनी दूर, अब ये मेरे पीछा करते करते भागे भागे। मैं किधर भी जा रहा हूँ वहीं पे ही आ रहे हैं। मैं अच्छे से लोकेशन भी नहीं ढूंढ पाया जो मिलिट्री कर्नल ने कहा था लास्ट टाइम, जो सीक्रेट बंकर की लोकेशन थी। अब भाई ये गार्डनर है, इसी से बात कर लेते एक बार कि भाई इन पिक्स को अंदर डाल दें, क्योंकि ये पिक्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तो चलो एक बार इससे बात करते हैं। तो ओके गाइस, यार मेरी इस गार्डनर से बात हो चुकी है, इनने पिक्स तो अंदर डाल दिए, बट यार किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। तो यार हमने भी कुछ नहीं करा, भाई दोनों यहीं के यहीं पे रुकना है, बाहर मत आना, नहीं मेरा पीछा करना। भाई यार ये क्यूट से है, प्यारे से लग रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं अपन अपने मिशन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारा काम है गाइस। हमें ढूंढना है डगन बॉस के घर पर सीक्रेट बंकर की लोकेशन। भाई यार मैंने काफ़ी ढूंढा, मेरे को कहीं पर भी नहीं आया। वैकेंड में तो मैंने पूरा ढूंढ लिया है, और कुछ प्लेसेस रह गए हमें वहाँ पर भी जाना है देखने के लिए। उससे पहले यार मैं चाहूँगा एक बार मिलिट्री कर्नल से बात करने के लिए। अब देखते यार कि डगन बोस आया या नहीं आया, मिलिट्री कर्नल कहाँ पे है। अब चलो यार फटाफट से चल रहे। बाकी यार इतने बड़े घर में छोटी कबाड़ा सी गाड़ी यार बेकार से लग रही है। गार्डन माली है गाइस यहाँ का, जो पेड़ वगैरह को देख रहा भाई देखो कैसी कैसी गाड़ी लगी हुई है यहाँ पे यार, बेकार सी, इतना बड़ा घर है बंदे का। बट भाई आप देखो यार, अपन ने ना मिलिट्री बेस से और सिक्योरिटी मंगा ली थी मतलब मिलिट्री कर्नल के लिए। तो गाइस आ चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप अलग ही लेवल की सिक्योरिटी खड़ी हुई है इस टाइम पे अपनी। और यहाँ पे चलते हैं भाई साहब, ये बंदे गाइस कौन कैसे कैसे खड़े हैं। तो गाइस ये बॉडी गार्ड गाइस, ये अलग सब बॉडी गार्ड लग रहा है गाइस। ये भाई डगन बोस आ गया क्या भाई, शायद से डगन बोस आ चुका है, क्योंकि ये सोल्जर पहले नहीं थे। तो चलो अंदर चलते हैं एक बार। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं, और भाई यार देखो मैं इतना परेशान हो गया, पिक्स मेरा फिर पीछा करते करते आ गए। ये देखो यार चिल्ला भी रहे हैं यहाँ पे। तो ओके गाइस वेट, यार डगन बोस गाइस आ चुका है, मिलिट्री कर्नल इनसे बात कर रहा है। बट यार ये पिक्स मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे गाइस, ये काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं उस गार्डनर को अब जाके मारूंगा जरूर गाइस। तो भाई ना सोल्जरों ने एम कर रखा है मिलिट्री कर्नल पर, बाकी अपने सोल्जर्स भी खड़े हैं गाइस यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये डगन बोस को बहुत खतरनाक से सोल्जर है। तो भाई ये डगन बोस बैठा हुआ है, अच्छा ये है गाइस डगन बोस, और मिलिट्री कर्नल इसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ओके गाइस यार मेरे मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है, और मिलिट्री कर्नल ने मेरे को रुकने के लिए भी नहीं कहा। मिलिट्री कर्नल ने बोला है जाओ तुम वो लोकेशन रुको ढूंढो, इतने वो मिलिट्री इसको डगन बोस को बातों में लगाए रख रहा है। तो भाई इसका घर है आप देखो, और भाई ये घर तो है इसका काफ़ी बढ़िया यार, मस्त सा घर है। ये पेंटिंग वगैरह लगी हुई है, शायद डगन ही खड़ा है हॉर्स के साथ, घोड़े के साथ गाइस। तो गाइस घर तो खतरनाक है भाई, मैं यहाँ से निकल ही देता हूँ। पीछे वो बॉडीगार्ड खड़ा है, पता लगे मेरे को मार दे। देखो यार ये मेरे पीछे चिल्लाते चिल्लाते आ रहे हैं। तो गाइस पहले हम इनको छोड़ते यार उनकी लोकेशन पे जहाँ पे इनका घर है। ये तो गलती मेरे पीछे लग गई, मैं तो गलत ही गया था गाइस इनको खिलाने के लिए, मैं पागल था। बट कोई नहीं, अब इनको छोड़ेंगे। चलो अपन बाहर आ चुके घर से। गाइस के सिक्योरिटी गार्ड तो गाइस डगन के भी खतरनाक ही है, अलग ही रोबोट टाइप का सिक्योरिटी गार्ड है इसके। बाकी यार ये पिग्स ने यार मेरा दिमाग ख़राब कर रखा। तो चलो पहले इनको ही छोड़ेगा यार, कहाँ पे आ जा भाई फटाफट से मेरा पीछा करते करते। सोचो यार ये घर के अंदर भी आ गए गाइस, सबसे बड़ी बात ये घर के अंदर आए कैसे यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। उस गार्डनर को मैंने बोला था कि बाहर नहीं आने चाहिए। तो चलो भाई दूसरे वाला भी कहाँ है, दूसरे वाला भी आता होगा गाइस। पहले हम इसको ही लेके चलते हैं, दूसरे वाला दिख तो रहा नहीं है मुझे यहाँ पे। तो गाइस पहले अपन ने इसको ही छोड़ देते, दूसरे वाला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, मैंने पूरा अच्छे से देख रहा हूँ भी नहीं है।
तो गाइस इसी को लेकर चलते। तो भाई आ जा मेरे पीछे पीछे तू फटाफट। पता नहीं गाइस ये माइकल के क्यों दीवाने हो गए। माइकल इनके पास गया था लास्ट टाइम खिलाने इनको, और भाई ये खेलते खेलते यार माइकल के पीछे लग गए। तो ये गार्डनर यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रहा था उस टाइम पे, ये फ़ोन चला रहे इसको ये ध्यान नहीं पिक्स कहाँ पे अभी तेरी ऐसी तैसी, तुझे ये ध्यान नहीं है भाई की और बंदूक की उससे गया गाइस मर चुका है। तो गाइस चलो इसको अंदर छोड़ते, कहाँ पर रह गया भाई आ जा। तो चलो भाई भगते भगते तो आ गए। बाकी यार ये क्यूट बहुत है, ये मेरे पीछे पीछे आगे देखो अभी यहाँ पे आवाज़ निकाल रहे हैं। तो चलो भाई हमने इन दोनों पिक्स को अंदर डाल दिया है, और भाई अब तो यहीं पे रहिए। तो गई ये जा नहीं रहे थे, मैंने इनको बहुत डांटा, इनके ऊपर मैंने चिल्ला दिया और गोली फायर कर दी थी एक। तो गई ये अंदर जा चुके हैं और अभी यहाँ पे से बाहर भी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे भाई ने गेट लॉक कर दिया है। अब भाई चलते अपने काम को अंजाम देने के लिए। ये बंदा बंदा तो खड़ा यार यहीं पर सीक्रेट बंकर की लोकेशन, और डगन बोस कह रहा है इस मिलिट्री कर्नल से कि ऐसी कोई लोकेशन नहीं है मेरे घर में, तुम चेक कर सकते हो, बट तुम्हें चेक करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लाना पड़ेगा, सर्च वारंट लाना पड़ेगा। बट गाइज वो तो हमारे पास है ही नहीं और हम उसको लेंगे। तो गाइज आज है मतलब 2-3 दिन का प्रोसेस है गाइज, तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो मिलिट्री कर्नल ने मेरे को आँख मार दी कि जाओ तुम माइकल ढूंढने की कोशिश करो। तो भाई अपन ने यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे भी नहीं है यार, अंदर एक बार और देख लेते हैं, छोटी सी विंडो खुली हुई है ऊपर की। तो चलो भाई यहाँ पर भी नहीं है। तो गाइज अब मेरे को नहीं समझ मेरा मेरे को कहाँ ढूंढना चाहिए, एक बार ढूंढते यार और ढूंढते गाइज थोड़ा सा और। तो ओके गाइज यार मैंने बैकेंड का पूरा प्लेस चेक कर लिया है, मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। और भाई ये डगन बॉस कहीं साइड जा रहा है गाइज, क्योंकि इसके भी चोपर खड़े नहीं थे, चोपर आके लैंड हुए और इनका पायलट गए अंदर डगन बॉस से कुछ बात करने के लिए। तो भाई अपने पे बस ये थोड़ा सा ही वक्त है, अपने को वहाँ का बैकेंड का हिस्सा भी रह चुका है, वहाँ पर चलते गाइज वहाँ पर ढूंढते एक बार, क्योंकि यार मेरे को लिटरली नहीं मिल रहा, मैंने इतनी ढूंढने की कोशिश करी है गाइज बिल्कुल ही नहीं मिल रहा गाइज। तो एक बार और चलते हैं यार यहाँ पे गाइज, मेरे को लगता नहीं होगा मेरे को यहाँ पे भी नहीं यार, अंदर ही जेल टाइप बना रखे गाइस यहाँ पे ना, कुछ मेरे को लग रहा है पिग्स वगैरह ही रखता है भाई। डगन बॉस देख रहे हो आप भाई, माफिया भी है और उसके पास इतना पैसा, इतना बड़ा घर है और अलग ही सिक्योरिटी। तो गाइस ये गाइस ये बंकर का ही रास्ता है गाइस, ये बंकर ये शायद। तो गाइस वेट हमें मिल चुका है बंकर जिसको हम ढूंढ रहे हैं, माइकल इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ओके भाई हम नीचे उतर चुके हैं, तो गाइस शायद यही वो बंकर है। तो गाइस ये मेरे को बंकर तो नहीं लग रहा गाइस, वेट ये कोई टैंक वगैरह होगा पानी वगैरह का, और मैं इसको बंकर समझ बैठा, बंकर तो नहीं है। चलो यार एक बार अपन कहाँ की तरफ ढूंढे गाइस, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को कहाँ ढूंढना चाहिए। बाकी भाई माइकल ने मैंने भी अच्छे से देख लिया, बंकर तो नहीं है। बाकी भाई इस बंदे का घर काफ़ी बड़ा है गाइस, अब देख रहे हो बैक एक मतलब बीच में घर बना हुआ है, और इधर लेफ्ट साइड गार्डन राइट साइड गार्डन। तो भाई यहाँ पे भी ढूंढ लिया हमने, इन ट्रीज के यहाँ पे देख लेते गाइस क्या पता हमें दिख जाए एक बारी, क्योंकि अपना बस यही लास्ट हिस्सा बचता, अगर नहीं मिला तो गाइस हम फेल हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लॉस सैंटोस यार टेररिस्टों से घिर जाएगा और टेररिस्ट अटैक कर देंगे। बट गाइस ये यहाँ पे भी नहीं है, बट गाइस वेट तो ओके गाइस वेट 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 वेट। तो गाइस जैसा मिलिट्री कर्नल ने कहा था एक टनल टाइप होएगा, होल होएगा टनल जैसा जा रहा होगा। तो गाइस हमें मिल चुका है, तो ओके भाई यार हमें मिल चुकी है वो टनल गाइस जो सीक्रेट बंकर की है डगन बोस की। भाई देख रहे हो आप इधर की तरफ घर से कितनी दूर बना रखा है उसने ताकि किसी को पता भी ना लगे। तो गाइज अब अपन चलते हैं मिलिट्री कर्नल के पास। बाकी भाई डगन में दिमाग तो गाइज बहुत है, डगन बॉस में भाई ने उधर की तरफ नीचे बनवा रखी है टनल, इधर की तरफ बनवा रखी है ताकि बंदा इजीली जा सके गाइज। तो वेट गाइज अब अपने को मिल चुकी है टनल और अब अपन चल रहे हैं मिलिट्री के पास भगते भगते। बाकी भाई इस बंदे के पास यार पैसा बहुत है गाइज, आप देखो इतनी महंगी याच है भाई इस बंदे के पास, भाई नेक्स्ट लेवल यार बहुत अमीर बंदा है। देख रहे हो आप कितनी बड़ी याच है, कम से कम होगी 10-12 मिलियन डॉलर की गाइस, क्योंकि जिस हिसाब से इसका घर है जितना इस पर पैसा है। तो गाइस अपने बैकेंड में ट्रक खड़ा हुआ है और अपने चलते हैं अंदर। तो भाई तो गाइस देखो जैसा कि मैंने कहा था गाइस कि डगन बॉस कहीं जा रहा है, तो भाई अब तक ये गाड़ियाँ थी नहीं यहाँ पे, हम अभी आए थे और इतने में हम ढूंढ ढांढ के कुछ मिला जैसे हमें कि डगन बॉस कहीं जा रहा है। तो गाइस अपने को चलना पड़ेगा मिलिट्री बेस मिलिट्री कर्नल से बात करने के लिए एक बार अंदर, और एक बार इससे चल के बात ही कर लेते गाइस, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा अगर डगन बॉस अपने हाथ से निकल गया तो गाइस अपने को वारंट वगैरह लाने में दिक्कत हो जाएगी। बाकी बस के सिक्योरिटी गार्ड मेरे को खतरनाक ही लग रहे गाइस। तो चलो यार एक बार अपन अंदर चलते, तो ओके गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ और अपन चलते हैं मिलिट्री कर्नल से बात करने के लिए फटाफट से। तो चल भाई मिलिट्री कर्नल से एक बारी बात। तो ओके गाइस यार मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है, और मिलिट्री कर्नल को डगन बॉस ने गाइस साफ साफ कह दिया है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार दूंगा। इन बंदों ने एम भी कर लिया है, और गाइस इनने बोला है कि आज अपने प्रेसिडेंट को अगर तुम बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि आज गाइस लॉस सैंटोस में टेररिस्ट अटैक करवाने वाला डगन बॉस।
क्योंकि ये चाहता है, इसकी दो तीन मांगे है गाइस। प्रेसिडेंट को अगर इन्होंने पकड़ लिया तो गाइस सरकार को इनकी सारी मांग मांगनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारा इनके उस कब्जे में होगा। तो गाइस ऐसा तो तुम्हारा भाई होने नहीं दे सकता। फटाफट से गाइस गाड़ी में बैठते हैं, लोकेशन दी है स्टेडियम के यहीं पे अपने, यहाँ पे प्रेसिडेंट आज स्पीच भी होने वाली है गाइस। मिलिट्री कर्नल ने मेरे को कहा था बट मेरे याद नहीं थी, तो यार मिलिट्री कर्नल को इनने एकदम डरा दिया। और भाई मिलिट्री कर्नल भी, भाई तू फटाफट आके बैठ मेरी गाड़ी में, क्योंकि मेरा हो रहा है इस टाइम पर दिमाग ख़राब। तो चलो भाई, मिलिट्री कर्नल भी आके बैठ चुका और ये सोल्जर भी हमारे साथ चल रहे, कह रहे कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ माइकल, तुम टेंशन मतलब तुम अकेले नहीं हो। तो गाइस अपन बैक एंड से निकालते हैं। तो भाई अभी तक गेट भी नहीं था, तो भाई इन्होंने 3-4 दिन में समझ रहे हो गाइस गेट वेट सब लगवा लिया। ढक्कन बहुत जैसे ही आया, पहले गेट नहीं था। तो आ जाओ भाई तुम फटाफट से, गाइस अपन सब ठुक भी चुकी है। तो यार आज अपने को प्रेसिडेंट को बचाना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि लॉस सैंटोस में जहाँ पे स्पीच देंगे वहाँ पर कितने बंदे गाइस खड़े होंगे, बहुत लोगों की जान पे हमला हो सकता है गाइस। तो इसलिए आज हमें कुछ भी करके चलना पड़ेगा। तो भाई अपने 2-3 सोल्जर आ रहे हैं, बाकी सोल्जर को मिलिट्री कर्नल ने मना कर दिया है कि हमारे पीछे मत आओ और डगन बॉस पे नज़र रखो, अगर डगन बॉस भागने की कोशिश करें तो डगन बॉस को उड़ा देना। साफ साफ ऑर्डर दे दिया हमने, मतलब उड़ा मत देना, जान से नहीं मारना गाइस उसको, मतलब गिरफ्तार करके लाना है अपने मिलिट्री बेस पे। तो गाइस अपन अब चल रहे हैं यार जल्दी फटाफट से, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा यार सेफ फील नहीं लग रहा, क्योंकि यार प्रेसिडेंट के यार साथ सीन हो जाएगा। और अपने पास गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने पास यार उतना टाइम ही नहीं है गाइस, क्योंकि स्पीच भी शुरू होने वाली है, शाम को स्पीच शुरू हो जाएगी गाइस, और अपने पास सिर्फ 2 या 3 घंटे बाकी है। तो गाइस चलो हम पहुँचने ही वाले हैं लोकेशन पे। तो जो मिलिट्री कर्नल ने दी थी, जो डगन बॉस ने मतलब एक्चुअली में हमें दी थी, तो उस लोकेशन पे तो हम पहुँचने वाले हैं गाइस। बैक एंड में रस्तों में गाइस हमसे 2-3 बंदे भी आके भिड़ गए थे, गाड़ी ठोक रहे थे हमारे बेवकूफ़ से पता नहीं कि। तो भाई अपने बंदे देख रहे हो सोल्जर बहुत फुर्ती में आ रहे हैं और इनने ठोक दिया है भाई। तो भाई बाकी अपने सोल्जर भी ना भाई अलग ही लेवल के, भाई इनके अंदर जोश होता है, भगा भगा का गाड़ी आ रही है। तो गाइस चलो अपन लोकेशन पे तो पहुंच ही चुके हैं, अपन को यहाँ से एंटर होना है फटाफट से। तो यार यहाँ पे स्पीच होने वाली है तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए गाइस। तो अपन गाइस गाड़ी को लगाते हैं यहीं पर, पार्क कर देते हैं एक बार, आगे देख लेते हमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, या लगा देख ही लेते गाइस एक बार आगे चल के वहाँ पर कोई अटैक वटैक वाला सिस्टम तो नहीं है अभी प्रेजेंट में, क्योंकि बंदे वो भी अभी प्लानिंग करेंगे गाइस टेररिस्ट, क्योंकि एकदम तो वो भी अटैक नहीं करेंगे, उन्हें भी कुछ प्लानिंग वगैरह करनी पड़ेगी। उससे पहले अपन देख लेते हैं एक रास्ता, 2 रास्ते, तो गाइस इस रास्ते से भी आ सकते हैं टेररिस्ट। तो अपने को यहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी खड़ी करनी पड़ेगी, यहीं पे स्पीच होने वाली है गाइस। अब चलते हैं अंदर की तरफ, डगन बॉस ने तो गाइस हमें यही लोकेशन दी है मिलिट्री कर्नल को। भाई मिलिट्री कर्नल सही है, दिमाग का बंदा है, इनने मतलब भसड़ नहीं करी वहाँ पे, नहीं अगर हम उसको पकड़ते तो ना मैं तो प्रेसिडेंट मर जाता गाइस, जान पर रिस्क हो जाता है। तो इसलिए भाई मिलिट्री कर्नल में दिमाग तो है गाइस, इन्हें फटाफट से मेरा साथ चुना और वो अपने यहाँ पे आ गए फटाफट से। तो एक बारी उतरते हो गाइस, इससे एक बारी मैं बात कर लेता हूँ मिलिट्री कर्नल से कि भाई प्लान क्या, प्लान बता मुझे फटाफट से। तो ओके गाइस यार मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है और डगन बॉस का भी फ़ोन आया था। डगन बॉस ने गाइस हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हमें दूसरी लोकेशन दी है, एक्चुअल में लोकेशन कोई और है जहाँ पे प्रेसिडेंट स्पीच देने वाले हैं, क्योंकि मिलिट्री बेस से मिलिट्री कर्नल के पास अभी फ़ोन आया कि तुम कहाँ पे हो, प्रेसिडेंट स्पीच देने के लिए निकल चुके हैं। और गाइस उसने डगन बॉस ने कहा मैं यही चाहता था कि तुम जाओ रॉन्ग वे और तुम टाइम वेस्ट करो अपना। तो गाइस अब मिलिट्री कर्नल ने बोला डगन बॉस को कि आज मैं प्रेसिडेंट को तो बचा के रहूँगा किसी भी कीमत पे, और अपना तू ध्यान रखियो बस, तेरे साथ कोई सीन ना हो जाए। बाकी भाई अपने सोल्जर की गाड़ी का टायर भी टेढ़ा हो चुका है भाई, बहुत देर से भगाते 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 ठुक ठुक के भाई बंदे पागल हो चुके हैं। तो गाइस हम लोकेशन पे तो पहुँच ही चुके हैं, फटाफट से चलते हैं एक बार अंदर की तरफ। भाई यहाँ पे कोई गार्ड वार्ड भी नहीं, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बट यार कोई है तो नहीं। तो गाइस यहाँ पे मेरे को, मैं श्योर हूँ गाइस कि यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका होगा, बट अपने पास मिलिट्री कर्नल है तो अपन कोई ना कोई तगड़ा सा प्लान बना ही लेंगे। तो अंदर अपन पर कर देते हैं गाड़ी को पार्क एक बारी, भाई मिलिट्री की गाड़ी में जान बहुत है यार, इतनी टूटने के बाद भी सही सलामत चल रही है। तो एक बार चलते हैं। तो भाई बंदा कहाँ पे आ गया, अपने सोल्जर आए क्या नहीं आए, भाई अपने सोल्जर तो दिख भी नहीं रहे। तो भाई इस बंदे को देखो भाई कैसे उड़ाता उड़ाता ला रहा है भाई ये बंदा, देख रहे हो गाइस, मतलब एक बार इससे बात करते हो गाइस मैं कर्नल से और बंदों से भी कि भाई सीन क्या है मेरे को बताओ, अपने को सेटअप भी करना पड़ेगा गाइस, प्लान बनाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, तो ओके गाइस यार मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है और रात हो चुकी है गाइस, और प्रेसिडेंट की स्पीच भी स्टार्ट हो चुकी है और मिलिट्री कर्नल भी गाइस वहीं पे जा चुका है। अब गाइस अपने ऊपर ये सब चीज़, क्योंकि मिलिट्री कर्नल इस टाइम पे प्रेसिडेंट के साथ है और वहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी जा चुकी है, सिर्फ माइकल के ऊपर है गाइस और अपने सोल्जर्स के ऊपर है, क्योंकि अपने को थोड़ी तेज नज़र रखनी पड़ेगी और मुझे नहीं पता कि क्या सीन होने वाला है। फोटोशूट वगैरह चल रही है और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, काफ़ी लोग ये वो लोग है गाइस जिनकी चेकिंग हो चुकी है गेट पे,
वो बंदे अंदर आया। बाकी गाइज बाहर भीड़ तो बहुत लगी है प्रेसिडेंट के लिए, तो भाई प्रेसिडेंट तो अभी हाय वगैरह कर रहे हैं। तो गाइज अपन यहाँ पे एक बारी देख लेते हो, तो गाइज अपनी सिक्योरिटी तो यहाँ पे है, आधे बंदे नाच रहे, आधे बंदे स्पीच सुन रहे मजे से, और कुछ बंदे स्पीच सुन के नाच रहे। इनका कह दिया कि तुम्हें आईफोन मिल जाएगा भाई, तो इसलिए इनको गेमिंग देखने के लिए अलाउड कर देगा, गेम खेलने के लिए। तो चलो यार एक बार ही ना मैं मिलिट्री कर्नल से चल के बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे तो सिक्योरिटी ओके ही है। तो चलो यार एक बार ही हम इससे बात कर लेते हैं मिलिट्री कर्नल से कि भाई सीन क्या है। तो भाई तो क्या गाइस यार मेरी मिलिट्री कर्नल से बात हो चुकी है, इतने में भाई किसी बंदे ने अटैक कर दिया है। भाई डगन ने सही बोला था, बाकी अपने सोल्जर तो जा चुके डाउन करने के लिए, भाई तुम फटाफट आ जाओ। तो भाई टेररिस्टों ने ऊपर से अटैक करा गाइस मेरे को, मैंने तो बैक एंड से रास्ता बनाया था, बट इन्होंने सामने से। भाई डगन बॉस के बंदे पागल तो नहीं हो भाई, बहुत कितनी खतरनाक गन से फायरिंग कर रहे हैं, आवाज़ सुन के डर सा लग रहा है गाइज मेरे को। तो गाइज अपने को फटाफट से प्रेसिडेंट को यहाँ से लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुका तो जान का खतरा हो जाएगा, और अपने सोल्जर भी मारे जा चुके और कुछ बंदे नीचे भी उतर के आ रहे गाइज। तो अपन ने इन बंदों को भी यहाँ से भागने के लिए कह दिया है, अपने सोल्जर संभाल लेंगे यहाँ के बंदों की भी जान को। यहाँ से देखो सारे बंदे भाग रहे हैं गाइज, अपन बैठते हैं फटाफट से, प्रेसिडेंट आगे बैठ चुके हैं पीछे, और गाइज अपन लगा लेते हैं मिलिट्री बेस की लोकेशन, क्योंकि अपने पास गाइज टाइम बहुत कम है। भाई डगन बॉस को मैं मान गया, बहुत खतरनाक बंदा है यार, उनने उनने कहा था अटैक होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, तो गाइज अटैक भी हुआ, और गाइज मेरी आंखों के सामने हुआ, मैं इससे बात ही कर रहा था उतने में सामने से फायरिंग होने लगी और प्रेसिडेंट ने कवर ले लिया। तो गाइज अब हम यहाँ से फटाफट से निकलते, देख रहे हो गाइज पैसे बंदों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही, बंदे रो रहे हैं। बस पीछे पहाड़ के दूसरे रास्ते से गए, उन्होंने अटैक करा अपने के ऊपर। भाई साहब टेररिस्ट भाई कितने खतरनाक है। तो गाइज अगर एक भी टेररिस्ट अगर अपने हत्ते चढ़ गया ना, तो उनके साथ तो सीन कर दूंगा। तो गाइज अपन पहुंचने वाले, बस थोड़ा सा रह चुका है। मिलिट्री कर्नल भी गाइज मुझसे भी आता था, यही कह रहा है रास्ते में कि अपन ने एक भी बंदे को पकड़ लिया ना गाइज टेररिस्ट को, तो गाइज अपने को बहुत आसानी हो जाएगी टेररिस्ट के हेड को पकड़ने के लिए, क्योंकि आज इन्होंने प्रेसिडेंट पर अटैक करा है गाइज, कल को यार किसी भी बंदे पर अटैक कर सकते हैं। बाकी गाइज हमें चल के डगन बॉस को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री कर्नल भी साफ साफ यही कह रहा है मुझसे कि माइकल कुछ भी हो जाए हमें डगन बॉस को नहीं छोड़ना। तो भाई मैंने भी बोल दिया कि ठीक है भाई, देखो यार ना ही डगन बॉस अपना सगा है ना ही मिलिट्री कर्नल, ठीक है बस हम तो साथ दे रहे हैं क्योंकि अपने को पैसा वगैरह मिलेगा। तो गाइज अपना वो वाला कोई सीन भी नहीं, बट भाई डगन बॉस से दुश्मनी गाइज महंगी बहुत पड़ेगी मेरे को लग रहा है। तो चलो यार फटाफट से निकलते हैं थोड़ा सा और। तो ओके गाइज यार मिलिट्री कर्नल मिलिट्री बेस थोड़ी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह चुका है। तो भाई कर्नल अब भी आता था, कह रहा है कि माइकल अब हमें मिलिट्री बेस इनको छोड़ के प्रेसिडेंट को इज्जत से, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा डगन बॉस के घर पर। और हमने गाइज अपने सोल्जर्स को भी कह दिया कि डगन बॉस के घर पर कर दो, तब भाई खतरनाक वाली डिस्ट्रॉय वगैरह कर दो डगन बॉस का हाउस। और हमें बंकर मिल चुका है, और मैंने बंकर पर दो मिलिट्री सोल्जर्स को जाने की लोकेशन भी दे दी कि भाई तुम जाकर वहाँ पर खड़े रहो, डगन बॉस भागे ना, और कुछ बंदे डगन बॉस को भागने लेंगे। तो गाइज सिक्योरिटी तो अपनी वहाँ पे भी पहुँच जाएगी, क्योंकि अभी मिलिट्री बेस जैसे ही मैं पहुँचूंगा वैसे ही मिलिट्री बेस से मैं ऑर्डर दे दूंगा बंदों को, क्योंकि ऑर्डर अब हम दे सकते हैं। भाई ठुक गई, मिलिट्री बेस में हमें गाइज वो दे सकते हैं ऑर्डर कि भाई जाओ आधी सिक्योरिटी उधर की तरफ। और गाइज अभी तो माउंट सिलियाट गाइज उस पहाड़ का नाम है, माउंट सिलियाट जिस पहाड़ पे हम कल मिलिट्री बेस के मिलिट्री कर्नल के साथ गए थे गाइज, जो छोटा सा मिलिट्री बेस बना रखा है। तो गाइज माउंट सिलियाट के बंदों को भी कह दिया मैंने कि तुम वहाँ पे पहुँचो फटाफट, और माउंट सिलियाट लेके चले गए डगन बॉस को। भाई अब चल रहे हैं फटाफट से मिलिट्री बेस, तो गाइज अपन पहुँच ही चुके हैं, थोड़ा सा क्या रह चुका है गाइज, पहुँच ही गए, हमने राइट ही लेना छोटा सा। तो गाइज अपन ने मार लिया राइट, और गाइज चलो फटाफट से अंदर ही चल रहे हैं गाइज। और गाइज तगड़े वाला सीन हो चुका है, और अब भी डगन बॉस का गाइज फोन आया था कर्नल के पास, क्या ये तो डेमो था, ये ट्रेलर था, अभी आगे आगे देखो तुम्हें होता है क्या, या ऐसे डायलॉग मारा गाइज उसने। और मिलिट्री कर्नल गाइज घबरा चुका है कि माइकल अब आगे क्या होगा, क्योंकि भाई उन्होंने बोले तो छोटा सा अटैक था, वो चाहता तो इनको प्रेसिडेंट को मरवा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं करा। उन्होंने बोले तो बस तुम्हें देखना चाहता कि तुम बचा पाओगे नहीं, अगर नहीं बचा पाते तो मर जाता प्रेसिडेंट आज, उसके लिए खेल था। बट उसने बोला अभी आगे देखो तुम कि क्या होने वाला है, माइकल और मिलिट्री कर्नल आगे देखो अब तुम्हें क्या होता है। तो गाइज तो ओके गाइज यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो भी बंदा नहीं है चैनल पे सब्सक्राइब करना, और भाई इंस्टाग्राम पे जाओ फॉलो करो यार, आप लाइक नहीं करते ना तो यार मतलब डीमोटिवेट हो जाता हूँ, आपकी हर एक लाइक से गाइज मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके हर एक कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ, मेरे को काम करने की और अच्छी इच्छा होती है, गेम खेलने की और मज़ा आता है। और गाइज संडे टू संडे मैं आपको बता रहा था हम देखेंगे कार्टून भी देखा करेंगे मतलब साथ मिलके, तो संडे को
शाम के टाइम सुबह मतलब रेडी रहना, हम सारे भाई कार्टून एक साथ ही देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो भाई मेरे को नहीं पता गाइस सीन क्या होने वाला, डगन बॉस के पास भी जाना है और डगन बॉस अटैक भी और करवाएगा। तो गाइस अब नहीं पता आगे क्या सीन होने वाला है, और भाई अब आगे देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।